दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस यूं ही नहीं कही जाती, दिल से काम भी करना पड़ता है। जी हाँ, जब से दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव आए हैं, तब से दिल्ली पुलिस के काम करने का तरीका ही बदल गया है। उन्होंने पुलिसिंग के साथ साथ पुलिस को दिल के पुलिस भी बनाने की कोशिश की और इस कोशिश में बहुत अहम भूमिका भी निभाई है। तभी तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही दिल्ली पुलिस का एक नया रूप देखने को मिलता है। चाहे एक स्टॉल नजर आएगा, स्टॉल पर दिल्ली पुलिस के जवान और एसएचओ लेखराज सिंह खाकी वर्दी में गले में एक बैनर डाले दिखाई देते हैं। यह पुलिस वाले रेलवे स्टेशन से बाहर आने वाले हर व्यक्ति को फूल और मास्क के साथ साथ हैंड सैनिटाइजर देते नजर आएंगे और यात्रियों को ये कहते भी नजर आते हैं कि आपको बिना मास्क के कहीं नहीं जाना है, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, साथ ही 2 गज की दूरी का भी पालन करें। जी हाँ, ये नया रूप देखने को मिल रहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर दिल्ली पुलिस का। अगर इसका श्रेय दिया जाए तो इसका श्रेय दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जाता है, जिनके आने के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने काम करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ कर लिया है, बदल दिया है, थोड़ा सा सॉफ्ट जनता के प्रति हो गए हैं इस कोरोना काल में और हिदायत और समझाइश देते नज़र आ रहे हैं आम जनता को फूलों के साथ कि वो इस कोरोना काल में पॉजिटिव बने रहें और साथ में हैंड सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। तो ये एक अलग ही नज़ारा दिखाई देता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर अगर जाकर देखा जाए तो। और पुलिस के इस रवैये से पब्लिक भी बहुत खुश है और सराह रही है उनके इस कदम को। जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस का कड़ा रुख आम जनता ने देखा, तो वहीं इस कोरोना काल में एक सॉफ्ट और एक नरम रवैया पुलिस का भी देखने को मिल रहा है इस कोरोना काल के दरमियान। परवीन अर्शी की रिपोर्ट, समाचार वार्ता। नारायण थाने की टीम ने एसएचओ के नेतृत्व में 100 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क और कच्चा राशन निःशुल्क उपलब्ध कराया। थाने के स्टाफ ने मिलकर राशन के 100 पैकेट तैयार किए, जिसमें 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक, 1 लीटर सरसों के तेल के साथ चाय पत्ती और मसाला शामिल था। राशन वितरण करते वक्त जब एसएचओ सभी श्रीवास्तव से पूछा गया कि ऐसी करने की वजह क्या है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा काम करने से उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती है और उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ साथ हमारे अंदर इंसानियत भी जीवित है, तभी तो लोग उन्हें दिल की पुलिस कहते हैं। अब जानवरों के लिए भी बन गई दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस। दिल्ली पुलिस इन दिनों कई काम ऐसे कर रही है जो शायद थी किसी पुलिस से उम्मीद की जा सकती है। जहाँ देखो हर इंसान की मदद के लिए दिल्ली पुलिस आगे आ रही है, वहीं जानवरों की मदद के लिए भी पीछे नहीं है। दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस इसीलिए तो कहा जा रहा है। एक नज़ारा ऐसे भी देखने को मिल रहा है जहाँ मंडावली थाने के एडिशनल एसएचओ अजीत सिंह और उनकी टीम यमुना के किनारे बेसुबान परिंदों और जानवरों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करते नजर आते हैं। जबकि थाना मंडावली के एसएचओ की एक फोटो कुत्ते को बिस्किट खिलाते वायरल भी हुई थी, तब से लोग पुलिस को और सराह रहे हैं और उनके इस कदम को, उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। इंसानों के साथ साथ अब दिल्ली पुलिस के जवान जानवरों की भी देखभाल में जुटे हुए हैं, इन जवानों के जज्बे को भी सलाम कर रहे हैं। इस कोरोना काल के दरमियान बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं जो कि शायद हमने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी सख्त रवैये के अंदर अगर देखा जाए, इतनी सख्त यूनिफॉर्म के अंदर अगर देखा जाए तो एक दिल भी धड़कता है जो कि दिल्ली पुलिस का दिल है और वो बन रही है धीरे धीरे दिल्ली की पुलिस से दिल्ली की पुलिस। दिल्ली में एसएचओ पहाड़गंज जीएन झा ने अपनी टीम को लेकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। सोशल डिस्टेंसिंग, जो 2 गज की दूरी बताई जा रही है और डबल मास्क पहने, अपने हाथ को बारंबार धोए। झा खुद माइक पर बोलते नजर आए कि किस तरह से कोरोना से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, पहाड़गंज के उन गाड़ियों को रोका जिसमें लोग बिना मास्क के जा रहे थे। झा ने बिना मास्क की गाड़ी और पैदल चलने वाले लोगों को मास्क दिए। झा ने बिना मास्क लगाए लोगों को कहा कि मास्क अपने जीवन को तो बचाता ही है, आगे से जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकले। इसी नसीहत के साथ झा ने सबको मास्क दिए और
और ये हिदायत भी दी कि घर से तभी निकले जब आवश्यक हो और बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। दिल्ली पुलिस के जज्बे को सलाम। कमला मार्केट की इस बदनाम गली में रोज पुलिस खिलाती है 500 लोगों को भोजन। जी हाँ, कोरोना काल से पहले पुलिस को लेकर लोगों के मन में एक अलग विचारधारा रहती थी। लोग पुलिस को भ्रष्ट, अकड़ू और ना जाने किन किन शब्दों से नवाजते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद दिल्ली पुलिस को लोग अब दिल के पुलिस के नाम से जानते हैं। आखिर क्या वजह है इसके पीछे कि दिल्ली पुलिस बन गई दिल की पुलिस? दिल्ली पुलिस अब वो काम कर रही है जो कभी भी पुलिसिंग में नहीं पढ़ाया गया। जी हाँ, ऐसे ही एक मामला देखने को मिला दिल्ली पुलिस के कमला मार्केट थाने में। दिल्ली के एक बदनाम इलाका कहा जाने वाला जीबी रोड, जहाँ एक आम इंसान जाने से भी संकोच करता है, वहाँ कमला मार्केट थाने की पुलिस 2 मई से लगातार जीबी रोड पर लगभग 500 लोगों को निशुल्क भोजन करा रही है एक संस्था के माध्यम से। धन्य है दिल्ली पुलिस, यानी कि दिल की पुलिस। जी हाँ, दिल्ली पुलिस आजकल वो काम करती दिखाई दे रही है जो अमूमन किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस कोरोना काल में दिल्ली पुलिस एक नर्म रुख अपनाकर लोगों को पॉजिटिव बना रही है। जहां पर लोग दहशत में रहते थे दिल्ली पुलिस के, वहीं लोग अब इनके नर्म रुख से इनकी सराहना कर रहे हैं। इनसे जो डर रहता था वो डर कहीं ना कहीं कम हो रहा है। एक मानवता के नाम पर अगर कहा जाए तो इंसान इनको सराह रहा है। दिल्ली पुलिस हमेशा कोरोना वॉरियर्स बनकर आगे डटी रही है और काम कर रही है इस कोरोना काल में। पॉजिटिविटी दिखाकर, लोगों को पॉजिटिव बनाकर, इस कोरोना काल में जहां एक और इंसान नेगेटिव बन गया है, स्ट्रेस्ड हो गया है अपनी ज़िंदगी से, दिमागी तौर पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, और इस वक्त अगर दिल्ली पुलिस का रुख जो है नरम है लोगों के प्रति, तो वो बहुत सराहनीय है। क्योंकि आम जन जो दिल्ली पुलिस से खौफ खाती थी, वो अब उनके करीब जा रही है, उनके रवैये को सराह रही है दिल्ली पुलिस के, और इसका श्रेय जाता है पूरा कमिश्नर ऑफ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली कमिश्नर ने ही अपनी शैली में बदलाव लाया है और काम करने के तरीकों को बदला है लोगों को पॉजिटिव बनाने के लिए। क्योंकि लोगों के मेंटल हेल्थ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने शायद कहीं ना कहीं ये मानवता का परिचय देने की कोशिश की और ये समझाने की कोशिश की कि पुलिस उनके अच्छे के लिए है, उनके हित के लिए है पुलिस, और पुलिस के मन में भी एक दिल होता है, और दिल्ली की पुलिस के दिल में एक दिल धड़कता है जो कि दिल्ली की पुलिस बन गई है अब दिल की पुलिस।